तो आज हम देखने वाले हैं क्रीपीएस्ट थिंग्स फाउंड ऑन गूगल मैप। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने वाला है, क्योंकि भैया हो सकता है गूगल मैप पर घूमते घूमते हमको मिल जाए कोई चुड़ैल, या फिर दिख जाए हमें कोई डरावना सा चेहरा, हो सकता है हमें कोई अबेंडेंट सा मिस्टीरियस हॉन्टेड हाउस देखने को मिल जाए। कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि भैया आज हम देखने वाले हैं बहुत क्रीपी क्रीपी चीजें, और मैं आपको उन क्रीपी गूगल मैप्स की वीडियोस के पीछे के असली सच भी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से ओपन करते हैं गूगल मैप और शुरू करते हैं आज का हमारा एक और फाड़ू वीडियो। ओके। तो भाई ये क्या चल रहा है? भाई ये कौन सी जगह है? ये वीडियो जो हमको दिखाया ना, ये था YouTube पर डाला हुआ था वीडियो, ये शॉर्ट वीडियो, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स डले हुए हैं। मतलब ये जगह एक्चुअल में जहाँ पर है वहाँ पर हम गूगल मैप के थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इस शॉर्ट्स में जो दिखाया गया है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो क्या बोलते हो, चलें? तो भैया फटाफट से हमने कोऑर्डिनेट्स को डाल दिया है, और वाह मैन, ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और यहाँ पर ये वो स्केलेटन भी है, और यहाँ पर एक कार रखी हुई है, कार के ऊपर दूसरी कार भी है, पता नहीं क्या सीन है। एंड थोड़ा सा इस साइड मूव करते हैं, और यहाँ पर भाई एक और चेहरा है दूर। ये मालूम है बेसिकली क्या है, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अजीब से पत्थर थे और लोगों ने पेंट करके उन पत्थरों को स्केलेटन बना दिया, स्कल्स बना दिया, और ये इतने बड़े स्कल्स है जो गूगल मैप और गूगल अर्थ से भी क्लियरली देखे जा सकते हैं। एंड दैट इज वाई दिस प्लेस इज क्रीपी। क्यों किया लोगों ने ऐसा, आई डोंट नो। यहाँ पर कुछ टूटी फूटी कारें भी रखी हुई हैं, और पता नहीं कुछ अजीब सी जगह है भाई, क्या है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गूगल मैप की कुछ ऐसी वीडियोस जिसे देखने के बाद आप किसी ब्रिज से निकलने से पहले 100 बार सोचोगे। इस वीडियो का नाम है क्रीपी डीमोनिक फिगर फाउंड अंडर द ब्रिज, एंड लेट्स सी। यहाँ पर गूगल अर्थ का यूज करके हम चलेंगे इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पर। वाह मैन, क्या मस्त जूम होता है। तो यहाँ पर ये लोकेशन है एक ब्रिज का, और यहाँ पर स्ट्रीट व्यू भी अवेलेबल है, तो चलो फटाक से क्लिक करते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई देख रहे हो तुम, कोक की बोतल रखी है और उसके ऊपर है एक डीमोनिक फेस। क्या ये कोक किसी ने पी थी क्या? भाई क्या है ये जो शॉर्ट्स है ना, ये मैंने बहुत जगह पर देखा था, तो मैंने क्या किया ना, वो डायरेक्टली वो वीडियो ही निकाल लिया यूट्यूब से जहां पर इसके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पर शो किया गया है गूगल अर्थ से, कि भाई यहां पर कुछ है भी कि नहीं है। सही है यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई भूत तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ फेस मास्क वगैरह यहाँ पर रखकर छोड़ दिया हो। भाई जो भी है, लेकिन क्रीपी है यार। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा गूगल अर्थ का एक प्रॉपर वीडियो। एक्चुअली ये घटना हुई थी 2020 में, और ये एक्चुअली एक रियल केस है। यहाँ पर गूगल अर्थ का जो सैटेलाइट था ना, उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर कैप्चर किया, वो भी एंटार्क्टिका में, जो किसी लाश की तरह दिखाई दे रहा था। तो गूगल वालों को थोड़ा शक हुआ कि भाई एंटार्क्टिका में किसी इंसान की लाश क्या कर रही है बड़ू। देन उन्होंने इस चीज को और थोड़ा जूम आउट किया अपने फुल HD सैटेलाइट कैमरे से, लेकिन सबसे क्लियर जो पिक्चर है ना, वो ये आपके सामने है। तो बेसिकली यहाँ पर एंटार्क्टिका जो है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आम इंसान नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, बट यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग बर्फ में जाते भी हैं रिसर्च करने के लिए। तो मे भी हो सकता है ये किसी साइंटिस्ट की डेड बॉडी हो जो गूगल अर्थ के सैटेलाइट ने कैप्चर कर ली, बट स्टिल इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। और ये एंटार्क्टिका वाली जो जगह है ना, इसके स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स भी अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वरना मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर देता, तुम लोग डायरेक्टली अपने PC से जाकर देख सकते थे इस पूरे के पूरे सीन को। अब हम देखने वाले हैं घोस्ट इन चर्च। तो भैया ये है वो शॉट, जरा इसका म्यूजिक हम स्लो कर देते, नहीं तो हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। एंड ये जो जगह है, ये प्राग के पास कहीं है। फटाफट जूम इन करते हैं भाई, क्या है ये जो चर्च है ना, ये भाई बहुत रिमोट एरिया में ऐसा लग रहा है मुझे मैप देखकर, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ भी तो नहीं दिख रहा। कोस्टल SV चर्च इसका नाम है, मैं पूरा लिख दूंगा नीचे जो भी कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है भाई इसका। और इसके अंदर चलते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं, ओ
ओके, चर्च के अंदर भूत बैठे हुए भाई। और ये वाला जो शॉर्ट्स है ना, ये आई नो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, स्पेशली वो वाले वीडियोस जो होते हैं ना गूगल पर मिली है बहुत सारी रहस्यमय चीजें। बट मैं आपको बताऊं कि ये कोई हॉन्टेड प्लेस नहीं है बेसिकली। ये जो भूत दिख रहे हैं ना आपको, ये स्कल्पचर्स हैं। और एक मिनट मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ पूरा सीन क्या है यहाँ का। तो इस जगह का नाम है कोस्टल, क्या लिखा भाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, स्वाटेहो कोस्टल कोस्टल बोल ही नहीं पा रहा मैं इसका नाम, कोस्टल स्वाटेहो जिरी घोस्ट चर्च। ये चर्च इतना पुराना है, इतना इसकी हालत खराब है और लोग मतलब इसमें जाते ही नहीं है, तो इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर भूतों के स्कल्पचर्स बनाकर रख दी ताकि लोग इसी बहाने इस जगह को गूगल पर ढूंढ कर आए और यहाँ पर कुछ फोटो शोटो खिंचाएं, जिससे थोड़ा टूरिज्म बढ़े, थोड़ी कमाई बढ़े। मतलब सोचो क्या जमाना आ चुका है कि मतलब जिस जगह पर गॉड रहते हैं वहां भी कमाई करने के लिए नकली भूतों को बिठालना पड़ रहा है, क्या बात है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक्चुअल पूरा फुल वीडियो है उस जगह का। और यहाँ पर सब नकली पुतले वुतले बिठाल के रखे हैं इन लोगों ने, चर्च को पूरा हॉन्टेड बना दिया है। कुछ खास तो नहीं लग रहा भाई इसमें मुझे। चलो मैं आपको एक और बहुत फेमस शॉट्स दिखाता हूँ जो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर ऐसा दावा किया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्नेक जो पुराने जमाने में था उसका स्केलेटन है, जो गूगल प्ले पर गूगल मैप पर हमको स्पॉट हुआ है। लेट सी कि भाई ये शॉर्ट्स को कितने व्यूज मिले हैं। व्यूज तो नहीं दिख रहे हैं, 778 लाइक्स हैं जहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और ये एक कोस्टल एरिया है समुद्र के पास। फटाफट से जूम इन करते हैं। अबे कहाँ गया सांप? हाँ ये मिल गया, ये है समुद्र के तट पर। सांप की लाश तो नहीं कह सकते, सांप का स्केलेटन है बेसिकली ये। और पहले तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये इसका नाम है ले सरपेंट डे ओशियन। ये बनाया गया एक चाइनीज फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था हुआंग योंग पिंग। तो चलो यार मैं तुमको दिखाता हूँ एक मस्त सा वीडियो। ये एक्चुअली वीडियो है जो उस जगह को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करता है। और इस जगह को लोग बहुत क्लेम करते हैं कि भाई ये बहुत ही क्रीपी जगह है, एक बहुत बड़ा सांप था जिसका स्केलेटन गूगल मैप पर मिला, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके का वीडियोस केवल तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जाते ताकि तुमको देखने में मज़ा आए। एंड आई नो कि तुम लोगों को बिल्कुल मज़ा आता भी है, बट देखो यार ये जो है ना ये रियलिटी है और ये तुमको पता होनी चाहिए भाई। देख रहे हो मतलब बिल्कुल लग रहा है असली। गूगल मैप से देखने की क्या जरूरत है, उस जगह का रियल वीडियो भी देख लोगे ना तो तुम्हें यही लगेगा कि भाई ये जो जगह है ना यहाँ पर वाकई में एक बहुत बड़े सांप की हड्डियाँ रखी हुई हैं, इसको बनाया ही इतने शानदार तरीके से गया है। बट यही है ना, ये फालतू चीजें बनाते रहते हैं, सही काम में पैसा नहीं लगाते विदेशी लोग। भाई साहब क्या खूबसूरत है यार, बहुत शानदार। लेकिन इससे भी ज्यादा शानदार है एक कॉन्सेप्ट जो अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, इसमें आपका भी थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जूम इन हो रहा है गूगल मैप पर और हम देखने वाले हैं एक UFO। यहाँ पर एक हाईवे है, हाईवे पर जूम इन करते हैं, स्ट्रीट व्यू पर जाते हैं और देखते हैं, देखिए आसमान में आपको दिखाई देगी एक UFO। तो क्या सच में UFO होती है? बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे सोचेंगे हाँ भैया होती है, हमने अपने कार्टून में देखा है UFO को, एलियंस को भी देखा है, बहुत से 90s के लोगों ने जादू को भी देखा है। लेकिन जरा इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। यहाँ पर ये जो UFO दिख रही है ना, इसके नीचे तुम्हें पीछे दूर कहीं एक और UFO दिख रही होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये UFO नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट है, ये एक लैंप पोस्ट है जो थोड़ा सा UFO जैसा दिखाई देता है। और ये जिस भी पोल पर लगा है ना भाई, वो पोल इतना पतला है कि गूगल मैप के कैमरे में वो खंभा गायब हो गया है। तो दूर ब्राइटनेस और कैमरे की लो क्वालिटी की वजह से ये जो संगम हुआ ना, उससे ऐसा सीन बन रहा है कि भाई यहाँ पर एक UFO है, जबकि आप दूर देखोगे तो आपको पूरी लाइंस स्ट्रीट लाइट्स दिखाई देंगी। और देखो इस वीडियो का टाइटल भी डाल के रखा है UFO स्कैरी थिंग कॉट ऑन गूगल अर्थ एंड गूगल मैप। ऐसे तो बेवकूफ बनाया था लोगों को। चलो मैं आपको एक और मस्त चीज दिखाता हूँ, पर्सन बरीड अलाइव सो क्रीपी वीडियो का टाइटल है। और यहाँ पर गूगल अर्थ पे जूम करते हैं, देखते हैं किस पर्सन को जिंदा दफना दिया गया है। भाई जगह तो ये बड़ी खतरनाक है यार, इतने सुनसान में कौन इंसान आएगा? ये क्या टॉयलेट सीट रखी क्या पहाड़ के ऊपर? नहीं। ओके ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है, एंशियंट टाइम का है। इसमें जूम इन करते हैं, आप देखो गूगल मैप वाले यहां तक, अरे हाथ दिख रहा है किसी का,
पत्थरों के बीच किसी का हाथ है भाई। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गूगल वाले कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं दुनिया भर में, किस किस इलाके में ले जाकर भाई फोटो वोटो खींच लेते हैं, और इनको इनको जिंदा लोग दफनाए हुए मिल जाते हैं, उनको हटाते भी नहीं है, वहीं फोटो खींच के निकल लेते हैं। क्योंकि सैटेलाइट की मदद से तो आप ऊपर से फोटो खींच सकते हो ना, ये जो स्ट्रीट व्यू देखते हैं उसके लिए तो एक पर्सन को पर्टिकुलर जगह पर जाकर आसपास का एक 360 वीडियो बनाना पड़ता होगा, या फिर ये सब सॉफ्टवेयर की मदद से बनता है जिसमें ग्लिच होने की वजह से ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ क्रीपी है, जबकि एक्चुअली वो ग्लिच होता है सॉफ्टवेयर का, जो हम देखते हैं स्ट्रीट व्यू में एक्चुअल फोटो होती ही नहीं है। खैर ये जो जगह है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर नहीं थे, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे सेम टाइटल पर, तब मुझे पता चला कि ये जो जगह है ना, यहाँ से गूगल मैप ने अपना ये वाला जो विजुअल आप देख रहे हो ना हाथ वाला, ये हटा दिया है। वैसा क्यों किया है पता नहीं, मतलब अगर आपको इस जगह की कोऑर्डिनेट्स सब पता चल भी जाए तो भी आप इस पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपना स्ट्रीट व्यू ऑन ही नहीं कर सकते क्योंकि गूगल मैप ने पूरा वो हटा दिया है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो हाथ दिख रहा हो ये सच में किसी इंसान का हाथ, और सच में किसी को जिंदा बरीड कर दिया गया हो। बट यू डोंट वरी मैन, अब हम देखने वाले हैं आपका फेवरेट वीडियो, भूत का वीडियो। एनीवे देखो, भूत भूत का वीडियो गूगल पे जो होगा वो फेक ही होगा, क्योंकि गूगल मैप के कैमरे पे भी अगर भूत कैप्चर होगा तो फिर भूत किस काम का, मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे भूत को। भाई ये वीडियो है व्हाट आई हैव फाउंड, वो देख रहे हो तुम। ये एक्चुअली में स्ट्रीट व्यू है और ये एक म्यूजियम का टू टाइप का रहता है, वो अपलोड किया गया था गूगल पर, और बट इट्स क्रीपी मैन। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक हॉरर थीम है इस पर्टिकुलर जगह की, एक अम्यूजमेंट पार्क टाइप का है। तो ये जो जगह है ना ये बहुत फेमस है गूगल मैप पर, तो यहाँ पर ये जो दिखता है अपने को भूत नहीं है एक्चुअली में, बट शी इज स्कैरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज हमने देखे कुछ ऐसे खतरनाक और क्रीपी वीडियोस जो कि रिलेटेड थे गूगल मैप से, और क्लेम किया जा रहा था इन वीडियोस को लेकर के भैया ये कुछ ऐसे क्रीपी प्लेसेस हैं जो आपको कभी भी गूगल प्ले पर सर्च नहीं करने चाहिए। ये मेरे मुंह से गूगल प्ले क्यों निकल रहा है बार बार, गूगल मैप पर सर्च नहीं करने चाहिए, एंड ऑल्सो यू डोंट हैव टू विजिट दिस प्लेसेस एवर। बट हमने इन वीडियोस में ब्रेक डाउन किया और बताया आपको कि भैया ये जो जगह क्लेम की जाती हैं, ये जितनी डरावनी बताई जाती हैं, ये सब नकली जगह है, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ये सब अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, ये सारे स्टैचूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, देयर इज नथिंग रियल इन इट। आई होप कि ऐसा कोई वीडियो मुझे मिल जाता जिसमें एक्चुअल कुछ क्रीपी होता, एक्चुअली कुछ पैरानॉर्मल होता तो बहुत मजा आता, बट सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है अवेलेबल इंटरनेट पर, जो कुछ भी है वो सब ऐसे ही है, सब फालतू है, फर्जीवाड़ा है। तो इन सब चीजों को देखकर ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो भाई, गूगल मैप केवल आपको रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है, और उस पर अगर आपको कुछ क्रीपी दिखता है देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, कि कुछ ना कुछ कहानी आप थोड़ा सर्च करोगे आपको पूरा का पूरा मटेरियल इंटरनेट पर मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा वीडियो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा पाप मत करो मेरे भाई, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर भी आपको बहुत मस्त कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।